आपको याद है श्रीलंका की वो तस्वीर जब राष्ट्रपति के आवास में भीड़ ने जमकर तांडव किया था। कर्ज में डूबे हुए देश के हालात कभी सुधर पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल काफी वक्त तक बना रहा। लेकिन अब अनुराधा नायक देश की कमान संभाल चुके हैं। आखिरकार श्रीलंका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। एक छोटे से गांव में जन्मे दिशा नायके कैसे राष्ट्रपति की दौड़ तक पहुंचे और जीते? उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आखिर तक बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाले अनुराधा नायके को श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देश के 2022 में कर्ज में डूबने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें दिशा नायके के सामने कई चुनौतियां थी। 55 साल के दिशा नायके ने विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा को हराकर जीत हासिल की, जबकि चुनाव में तीसरे नंबर पर निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। गौर करने वाली बात तो यह कि 2019 के चुनावों में केवल 3% वोट जीतने वाले अनुरा हाल के कुछ सालों में अपनी ऐसी पहचान बना चुके हैं कि उन्हें राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया गया। इसके लिए उनका भ्रष्टाचार विरोधी मंच और गरीब समर्थक नीतियों के लिए आवाज उठाना वजह बन चुका है। ऐसे में अनुराधा नायके के बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो कहां के रहने वाले हैं, वो कैसे राजनीति में आए और अब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर आगे हम बात करते हैं। 24 नवंबर 1968 को मध्य श्रीलंका के बहुधार्मिक क्षेत्र गैलेवेला में जन्मे अनुरा मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उन्होंने फिजिक्स में डिग्री हासिल की। पहली बार उन्होंने राजनीति में एंट्री तब ली जब 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1987 से लेकर 89 तक अनुरा जनता विमुक्ति पेरुमुना से जुड़े रहे। ये एक मार्क्सवादी राजनीतिक दल था। इसी दल ने श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व भी किया। इस दौरान युवाओं में काफी असंतोष के चलते एक बड़ा आंदोलन हुआ। राजनीतिक विरोधियों और नागरिकों दोनों के खिलाफ छापे, हत्याओं और हमलों का दौर देखने को मिला। हजारों लोगों की जान भी चली गई। दिशा नायके जब 1987 में जेवीपी की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए और 2008 में इसके नेता बने, उन्होंने तब इस हिंसा के लिए माफी तक मांगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जेवीपी, जिसके प्रमुख अब दिशा नायके हैं, इसके पास वर्तमान में संसद में सिर्फ 3 सीटें हैं और ये पार्टी एनपीपी गठबंधन का हिस्सा है। दिशा नायके के इस सफर में जब राष्ट्रपति चुनाव का पड़ाव आया तो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान एक और गंभीर मुद्दे पर बात की। ये 2019 में हुए ईस्टर धमाकों से जुड़ी जांच को लेकर था। 21 अप्रैल 2019 को राजधानी कोलंबो में चर्चों और अंतरराष्ट्रीय होटल्स में सिलसिलेवार घातक विस्फोट हुए थे। इसमें कम से कम 290 लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल भी हुए थे, जो जल्द ही श्रीलंका के इतिहास का सबसे भयानक हमला बन गया। इसकी जांच पर दिशा नायके ने एक बयान कहा है। बीबीसी के साथ हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दिशा नायके ने वादा किया कि अगर वो चुने गए तो वो इस मामले की जांच कराएंगे, जबकि रिपोर्ट्स कहती है कि पिछली सरकार इस जांच को पूरा होने से रोक रही थी। दिशा नायके ने यह भी कहा कि ये सिर्फ जांच नहीं है, भ्रष्टाचार रोकने का वादा करने वाले राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिन लोगों ने कर्ज मुक्त श्रीलंका बनाने का वादा किया था उन्होंने कर्ज का बोझ और बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने कानून को मजबूत करने का वादा किया था उन्होंने इसे तोड़ दिया है। उनके यही बयान वजह बने कि वो चुनावों पर असर डाल पाए और आखिरकार राष्ट्रपति बने। सालों से श्रीलंका के हालात जैसे जैसे बिगड़ते गए, जनता में गुस्सा बढ़ता, जिसका नतीजा 2022 में देखने को भी मिला। लेकिन जब दिशा नायके ने चुनावी मैदान में जनता के मुद्दों को उठाया तो उनका भरोसा बढ़ा। अनुरा की जीत में ये भरोसा तब्दील हुआ। दिशा नायके के वादों में सख्त भ्रष्टाचार विरोधी नीति, कल्याणकारी योजनाएं, करों में कटौती शामिल है। खैर, दिशा नायके के वादों को वो कितना पूरा कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्ते पर अब बात करना जरूरी है, तो अब
बताते हैं कि आखिर इस पर कैसा असर पड़ेगा दिशा नायकी के राष्ट्रपति बनने के बाद। श्रीलंका भारत के दक्षिणी तट के करीब स्थित है, जहां भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर स्पेस रिसर्च सेंटर और नवल बेस है। श्रीलंका की कुल आबादी में करीब 11% हिस्सा तमिलों का है, जो खासकर उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। इनमें से कईयों के रिश्तेदार दक्षिण के राज्यों में हैं। तो जाहिर तौर पर नए राष्ट्रपति बनने से भारत और श्रीलंका के रिश्ते को लेकर भी अटकलें तेज हो गई। श्रीलंका कूटनीतिक तौर पर भी भारत के लिए काफी अहम है, ये भारत के बहुत करीब है, इसीलिए चीन हमेशा से इसको अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा रहता है। हाल के कुछ सालों में श्रीलंका में चीन का दबदबा देखने को मिला है, ये भारत के लिए चिंता करने वाली बात हमेशा से रही है। भारत में सत्ताधारी भाजपा को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना जाता है, जबकि अनुराध दिसानाई के वामपंथी विचारधारा के हैं। अक्सर वामपंथी सरकारों को वैचारिक रूप से चीन के करीब माना जाता है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर हर्ष वी पंत, जो कि नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं कि भले ही दिशा नायकी और जेवीपी का रुख पहले थोड़ा भारत विरोधी रहा हो, लेकिन हाल के सालों में बदलाव दिखा है, जैसा कि मालदीव में अब देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर पंत ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी जेवीपी यानी जनता विमुक्ति पेरामुना परंपरागत रूप से भारत विरोधी रही है, इसका शुरू से ही भारत के प्रभाव के खिलाफ रुझान रहा है। अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे उन्होंने भारत के खिलाफ कई बार हिंसक विरोध किया है। पंत कहते हैं श्रीलंका में भारत के प्रभाव को कम करने का उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में दिशा नायका के बयान थोड़ा संतुलित और सोच के साथ जा रहे हैं। उन्होंने सुशासन संतुलन और गुट निरपेक्ष विदेश नीति पर जोर दिया है, इसका अच्छा असर भी हो सकता है। प्रोफेसर पंत आगे कहते हैं जो राजपक्षे की सरकार थी वो चीन की तरफ बहुत झुकी थी, उसका नतीजा श्रीलंका को भुगतना पड़ा। जब आर्थिक संकट आया तब चीन कहीं नजर नहीं आया समर्थन के लिए, जबकि भारत ने समर्थन दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बेंचमार्क बन गया है। संतुलन तो सभी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन क्या ये एक तरफ ज्यादा झुकाव बनाएंगे, ये तो उनकी आने वाली नीतियों से ही पता चल पाएगा। प्रोफेसर पंत मानते हैं कि भारत को पहले ये समझना पड़ेगा कि श्रीलंका की नई सरकार की आर्थिक नीतियां हैं क्या और ये सरकार चलाते कैसे हैं। अगर वो ऐसी आर्थिक नीतियां लाते हैं जिसमें श्रीलंका में स्थिरता बनी रहती है तो वो भारत के लिए अपने आप में एक अच्छी बात होगी। भारत के लिए परेशानी तब होगी जब इस तरह के हालात आते हैं कि हमारे पड़ोसी देश आर्थिक बदहाली की कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं, वहां जाकर उन्हें संभलना पड़ता है, समाधान देना पड़ता है, आपको मदद देनी पड़ती है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या दिशा नायकी के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत पर बुरा असर होगा या फिर अच्छा? आप जो भी समझते हैं सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।